तुझे महजबीन से इश्क है और मुझे अपने खोए हुए हुस्न शबाब से। अगर तू चाहे तो महजबीन की रिहाई का सौदा कर सकती है। मैं तुझे जीती जागती महजबीन बख्श दूंगी, मगर क्या तू मुझे मेरा खोया हुआ हुस्न शबाब लौटा सकता है? मैं कोई साहिर नहीं, जादूगर नहीं, मगर खुदा की जात पर यकीन और ईमान रखते हुए वादा जरूर करता हूं कि अगर तू महजबीन को अपने तिलिस्म से आजाद कर देगी तो मैं तेरा खोया हुआ हुस्न और शबाब वापस करने की कोशिश जरूर करूंगा। कोशिश? कोशिश से कोई मेरी किस्मत और सूरत नहीं बदलेगी। कोशिश खुदा के बंदों का ईमान है और कामयाबी अता करना खुदा की शान है। ऐ सुरमई परी, तेरा आका जलाल तुझे तलब करता है, हाजिर हो, जाहिर हो। माका, कैसे याद किया? शबाब परी को तिलिस्मी दवा दे ताकि खुदा इसे शिफा दे। मैं कोशिश करती हूँ आका। मलिका शबाब परी, खुदा के हुक्म से सुरमई परी ने तुम्हें फिर पहले की तरह हसीन और जवान कर दिया है ऐ मलिका शबाब। सच? क्या मैं पहले जैसी हसीन और नशीजा नजर आती हूँ? यकीनन मलिका शबाब, जरा पलट कर आईना तो देखिए। शुक्रिया जलाल।
शबाब, आप? आपका फिर से? हाँ, मैं फिर से हसीन और जवान बन गई। ताज्जुब है? बात तो ताज्जुब की ही है, मगर ये करिश्मा हुआ कैसे? ये सब इश्क की करिश्मा साजियां हैं। इश्क का करिश्मा है? हाँ, तुम्हारे इश्क का। मेरे इश्क का करिश्मा है? मैं कुछ समझी नहीं। इश्क नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। इश्क दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। इश्क दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और मैं सोने चांदी की दौलत के फेर में जलाल के इश्क को एक बरस तक अपनी ठोकरों में रखती रही। इश्क के जोर पर ही जलाल और बिलाल ने कोहे काफ़ का खतरनाक सफर किया है। इश्क की खातिर ही तिलिस्मी कुवतों को हासिल किया है। इश्क की खातिर ही जलाल मेरे पास आया और अपनी तिलिस्मी कुवत से मुझे मेरा हुस्न, मेरी जवानी लौटा दी। और ये सब उसने सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया है। मेरी जिंदगी पर मेरे महबूब का एहसान आखिरी सांस तक रहेगा। इश्क में कोई किसी पर एहसान नहीं करता नादान हसीना, सिर्फ एक दूसरे पर अपनी जान कुर्बान करते हैं। ये वो मुकद्दस जज्बा है जिसकी बदौलत आसमान के फरिश्ते भी इंसान को रश की नजर से देखते हैं। तुम ठीक कह रही हो मलिका शबाब, इश्क कुर्बानी का दूसरा नाम है, ये मैं अब समझ सकी हूँ। खुशियां और गम दोनों को आपस में बांटना इश्क है। जब मेरा महबूब मुसीबत में हो तो उसका साथ देना इश्क है। मेरा महबूब पोहे काफ में अपनी जान खतरे में डाले हुए है और मैं यहाँ रहूं, ये तो इश्क की तौहीन है। ए मलिका शबाब, तुम्हें अब तो मुझसे कोई शिकायत नहीं ना? बिल्कुल नहीं। तो अब मुझे इस तस्वीर की कैद से आजाद कर दो, मैं भी अपने महबूब के पास वह काफ जाना चाहती हूँ और इस मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देना चाहती हूँ। मेरे यहाँ आने का एक और मकसद बिछड़ों को मिलाने का है। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ लेने आई हूँ। शुक्रिया मलिका शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्कुराओ, अब हम कोहे काफ चलते हैं। चिने कुलफाम की तिलस्मी अंगूठी, अब तो जादूगर जिब्रान के कब्जे में है। अब मैं ही तेरा मालिक, तेरा आका हूं। अपने तिलस्म के जाल से देख कि वो लकड़हारा कासिम और मेरी बहन जमीला कहां है और कैसे है। तोता तो मैं हूं आका, मगर तोते की तरह नजरें आपने फेर ली। तिलिस में अंगूठी मिलते ही अपने वफादार परिंदों को बुला दिया।
नहीं, ऐसी बात नहीं है मेरे अजीज परिंदे। मैं जानता हूं कि तू ये सब कर सकता है, मगर तू अपने आका के शैतानी दिमाग को नहीं जानता। आका, आप तो शैतानों के शैतान हैं। गुलफाम जैसे दिन में आपसे परेशान है। अब तू अपने आका के शैतानी दिमाग की तदबीर देख, मेरे ख्वाब की ताबीर देख। आज आपके दिल में अपनी बहन जमीला और बहनोई की मोहब्बत कैसी जाग उठी? मोहब्बत नहीं, नफरत। नफरत तिलस्मी परिंदे, नफरत जाग उठी है। क्या कहा? नफरत? हाँ, नफरत, बदला, इंतकाम। क्या तू भूल गया नादान परिंदे कि मैंने कासिम को बर्बाद करने की कसम खाई थी? अब वो कसम पूरी करने का वक्त आ गया है। अब मैं एक तीर से दो शिकार करूंगा। एक तीर से दो शिकार? एक तरफ तो मैं कासिम के खून का प्यासा हूँ और दूसरी तरफ मुझे जलाल और बिलाल के खून की जरूरत है। वो तो मैं जानता हूँ आका, जलाल और बिलाल के खून का नजराना लिए बगैर नया मुर्गे सादत पैदा ही नहीं होगा। मगर तू ये नहीं जानता कि अब मेरा ये मकसद कासिम और जमीला पूरा करेंगे। कासिम और जमीला? वो कैसे आका? मैं इस तिलिस्मी अंगूठी के जादू से कासिम और जमीला को भयानक तिलिस्म में कैद कर लूंगा। माँ बाप को कैद में देखकर जलाल और बिलाल खुद मुझे अपने खून का नजराना देने आएंगे। मगर आका, जमीला तो आपकी बहन है, भला कोई भाई अपनी बहन को कैद करता है? बहन? मैं नहीं मानता किसी रिश्ते को, नहीं जानता उस बहन को जिसकी वजह से मैं दर बदर भटक रहा हूँ। अगर वो चाहती तो मुर्गे सादत मुझे परसों पहले मिल जाता। ये तो किस्मत की बात है आका, जमीला बहन को क्यों इल्जाम देते हो? आपकी किस्मत में ही ठोकरें लिखी हैं। किस्मत की बात मत कर परिंदे, किस्मत तो जिब्रान के जादू का नाम है, जादू का। तू देख कि अब मैं कासिम और जमीला की किस्मत में क्या लिखता हूँ। नहीं आका, ये जुल्म मैं नहीं देख सकता। तो तू अपनी आंखें बंद कर ले। ऐ तिलिस्मी अंगूठी। क्या हुक्म है आका? जा, सल्तनत फारान के महल से कासिम और जमीला को अपने तिलिस्मी पंजे में पकड़ ले। दोनों को मेरे सामने हाजिर कर। ये क्या हो रहा है सरताज? खुदा रहम करे, लगता है कोई ताकत, कोई मकनातिश हमें अपनी ओर खींच रहा है। या अल्लाह, सब्र और इम्तिहान की घड़ियां कब खत्म होंगी? कब हम अपने बच्चों से मिलेंगे? या खुदाया, अपने अजीज बंदों पर अपनी रहमत का साया कर, हमारी और हमारे बच्चों की हिफाजत कर। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद लकड़हारे कासिम। जिब्रान, तुम इस बदतमीजी से अपने बहनोई का नाम ले रहे हो? बहनोई? कौन बहनोई? किसका बहनोई? मैं किसी बहनोई को नहीं जानता। तुम ही अपने तिलस्मी कैद में हमें यहाँ लेकर
जबरदस्ती आए हो। बेशक। मगर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे तुम ही दोनों ने तो सब कुछ बिगाड़ा है। तुम्हारे शौहर कासिम ने वो दरख्त ही काट दिया जिसके जरिए मैं शाह जिन्नात को अपने कब्जे में करना चाहता था। मेरी प्यारी बहन जमीला, इतनी नादान हो कि मुर्गे सादत की दावत मुझे दी और वो नायाब परिंदा हलाल करके अपने बच्चों को खिला दिया। तब से आज तक आका भूखे प्यासे भटक रहे हैं। उस दिन एक भाई की मोहब्बत में एक बहन अंधी हो गई थी, तेरे बहकावे में आ गई थी। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने उस तिलिस्मी खंजर के असर में आकर जलाल और बिलाल को जबा नहीं किया। और मुझमें एक औरत की ममता जाग उठी। खुदा जो भी करता है ठीक ही करता है। अच्छा ही हुआ जो तेरे नापाक हाथ उस मुर्गे सादत तक नहीं पहुंचे। मगर अब पहुंच जाएंगे। मैं मुर्गे सादत की मंजिल से सिर्फ 2 कदम दूर हूँ और 2 कदमों का ये फासला तय करने के लिए मैं तुम दोनों को अपने तिलिस्म का कैदी बना लूंगा। फिर जलाल और बिलाल मेरी मर्जी के आगे सर झुका देंगे। इंसान कभी शैतान के आगे सर नहीं झुकाता मर्दूद जिब्रान। और खुदा तुझे तेरे नापाक इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। ऐ तिलिस्मी अंगूठी, कासिम और जमीला को अपने नगीने में कैद कर ले। इन्हें इतना छोटा कर दे कि ये दोनों तेरे तिलिस्मी नगीने में समा जाए और मेरी मुट्ठी में आ जाए। मोहब्बत भी अजीब खेल है। 2 चाहने वाले पास होकर भी बहुत दूर होते हैं और कभी बहुत दूर होकर भी इतने पास कि दिल की धड़कन बन जाते हैं। मैं जबीन से जब से जुदा हुआ हूं वो मेरे दिल की हर धड़कन में धड़क रही है। काश मैं जबीन से इसी वक्त मुलाकात हो जाए। क्यों ना मैं सुरमई परी से बात करूं कि वो मुझे मैं जबीन से मिला दे। नहीं जलाल, अब तुम्हें सुरमई परी को तकलीफ देने की कोई जरूरत नहीं। मलिका शबाब आप आ गई, महजबीन कैसी है, कहाँ है? खुद ही देख लो महजबीन। महजबीन जलाल ठहरो, मेरे ख्याल से पहले मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं मलिका शबाब? आपका एहसान हमारी मोहब्बत पर सदा रहेगा। खुदा तुम दोनों की मोहब्बत को सलामत रखे। खुदा हाफिज। जलाल, जलाल, नहीं जलाल, जी चाहता है सारी उम्र तुम्हारे सीने से लिपटी रहूं।
पागल ना बनाओ। प्यार मोहब्बत के लिए सारी उम्र पड़ी है। चलो पहले तुम्हें अपने भाई बिलाल से मिलवाता हूँ, वो तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। हाँ, हाँ, चलो। ऐसे नहीं। फिर कैसे? पहले आंसू पोंछ लो। चलो।